सो हे व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है अहमद रिया, आप देख रहे हैं हमारा चैनल ARM टेक्निकल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को इसी एडिटिंग के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आप लोगों ने देखी है, बहुत इजी तरीका है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखते रहिएगा, इस वीडियो को कहीं से कहीं तक भी स्किप मत करिएगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को इस तरीके की नॉलेज वाली वीडियो मिलती रहे। तो चलिए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ अपने फोन की होम स्क्रीन पर, वहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे आप लोगों को क्या करना है। तो चलिए चलते हैं अपने फोन की होम स्क्रीन पर, लेट्स गो। सो गाइस, आपको सिंपल से कुछ नहीं करना है यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं होम स्क्रीन पर आ चुका हूँ। आप लोगों को सिंपल से काइंड मास्टर को ओपन कर लेना। जैसे ही आप काइंड मास्टर को ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको प्लस का आइकन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक कर देना। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लोग को 916 का ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप उस 916 पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मीडिया ब्राउजर में जाना है। मीडिया में जाने के बाद आप लोग को सिंपल से जो वीडियो आप लोगों ने शूट करी है, उस टाइप की आप लोगों को वीडियो ले लेनी है। जैसा कि मैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास ये वीडियो है, तो मैं ये वीडियो यहाँ से जो है ले लेता हूँ, ठीक है। और इसको कैची वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ द प्लेट इसको कट कर देते हैं, ठीक है। तो जहाँ तक हमारी वीडियो है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये वीडियो है मेरी, तो यहाँ तक ये वीडियो जो है मैंने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग को अब यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही मैं यहाँ पे कूद रहा हूँ गाइस, तो आपको भी उस टाइप की जो इमेज यहाँ पे ले लेनी। तो देख सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पे कूद रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, यहाँ का कैप्चर ले लेता हूँ। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा गाइस, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है और सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है आपको उस पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पे आपका जो फ़ोटो है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ले लीजिएगा और अपनी जो वीडियो है वो यहाँ से ट्रिम कर दीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों को सिंपल से कुछ नहीं करना, आप लोग को जाना अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर, या फिर आप बैकग्राउंड इरेज, यहाँ पे बैकग्राउंड इरेज वाले ऑप्शन से भी कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे आप लोगों को एक न्यू तरीका बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ईजी है। आप लोग को जाएंगे अपने यहाँ पे गूगल पर और यहाँ पे लिख लेंगे आप बीजी। बीजी लिखने के बाद आप लोग को सिंपल से कुछ नहीं करना, रिमूव बीजी पे क्लिक कर लेना। उसके बाद आप लोग को कुछ नहीं करना, यहाँ पे अपलोड इमेज पे क्लिक कर देना। जैसे आप अपलोड इमेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ब्राउज़र में जाना है। ब्राउज़र में जाने के बाद आपका जो कैप्चर लिया था आपने, उस पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका जो कैप्चर फोटो होगा वो यहाँ पे सेलेक्ट होकर यहाँ पे इरेज हो जाएगा। तो देख सकते हैं आपका जितना भी बेहतरीन फोटो होगा, यहाँ पे जो मेरा बैकग्राउंड है थोड़ा ठीक से नहीं था, ना ही वीडियो ठीक से होगी, तो कुछ इस टाइप का आया है। तो कोई बात नहीं है, इसको जो है हम डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपको डाउनलोडिंग का ऑप्शन मिल रहा होगा, आपको डाउनलोडिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना, ठीक है। फिर आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है बैक काइंड मास्टर की तरफ चलते हैं। काइंड मास्टर में जाने के बाद आप लोग को फिर मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको एक वीडियो जो कि लेनी है, जो कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जाकर जो डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपल से डाउनलोड करके यहाँ पर वीडियो को उसको लेकर आना है। तो यहाँ पर डाउनलोड वो भी वीडियो जो मेरी यहाँ पर आ गई है। फिर आप लोगों को क्या करना है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये जैसे कि आप लोग यहाँ पर आ गए हैं खोद के, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे स्टार्टिंग से ही आपको यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना पड़ेगा, मीडिया पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका जो फ़ोटो है आप वो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जो आपने इरेज किया है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे फ़ोटो है वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये फ़ोटो है मेरा जो कि मैंने ले लिया है, ठीक है। तो ये मैंने बैकग्राउंड इरेज से इरेज किया था। आप लोग किसी भी टाइप से यहाँ पर फ़ोटो जो है ले लेते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं मेरा जो वीडियो है कुछ इस टाइप का हो रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों को फिर सिंपल से कुछ नहीं करना, आप इस साइड से वीडियो बनाइएगा, मैंने बना दिया इस साइड से, ठीक है। तो उसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास, पहले मैं इस वीडियो को एक्सपोर्ट करूँगा। पहले तो आप लोगों को सिंपल से कुछ नहीं करना, आपको वीडियो को, इस फोटो को पहले यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ से आप लोग को, जैसे आप लोग यहाँ से अगर आपका फ़ोटो इस टाइप का है तो इस टाइप का कर लीजिएगा, बट मैं आप लोग को पीछे से बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पहले इसको थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा। जूम करने के बाद आपको अपना ये पूरा सिरा इसको इस टाइप का करना है। फिर आपको चाबी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। चाबी वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लोग को सबसे लास्ट में आपको चले जाना है और यहाँ पे आपको प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है। और आपको अपना जो फ़ोटो है वो यहाँ पर आपको 20 साइड तक
कर देना है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया, आप वीडियो को थोड़ा सा चला करके देखते हैं। तो इस टाइप की जो हमारी वीडियोज है वो गाइज यहाँ पे आ रही है। आप जिस भी पोजीशन में हो उस पोजीशन का आप जो वीडियो ले लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को अब दिखा देता हूँ एक तरीका और। सो गाइज, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने एक वीडियो एक्सपोर्टिंग करी थी, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि मेरी यहाँ पे ये वीडियो है, तो इस वीडियो को आप लोगों को उस पर क्लिक करना है, यहाँ पर रोटेट आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप रोटेट पे क्लिक करेंगे आपकी जो वीडियो उसी टाइप से हो जाएगी। तो मेरी ये वीडियो जो है गलती से यहाँ पर शूट हो गई थी, ठीक है। फिर मैं वीडियो पर जाता हूँ और जो मैंने यहाँ पर एक्सपोर्टिंग कर ली थी वीडियो, वो यहाँ पर आपको उठाकर दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो वीडियो है यहाँ पर कुछ इस साइड में है, तो आपका जो ये भी है लेयर गाइस, तो आपको इस साइड में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। फिर आप इस पर क्लिक करेंगे, रोटेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको भी इस टाइप से कर देंगे। तो यहाँ पर आप वीडियो चला करके देखते हैं, तो थोड़ी सी बेकार सी लग रही है, इसको कैंची वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कट कर देते हैं, ठीक है। फिर चला करके देखते हैं, तो देख सकते हैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक मैंने बता दी है। वीडियो थोड़ी सी इतनी बेहतरीन नहीं बनी है, फिर अभी मैंने इस वीडियो की आपको एडिटिंग दे दी है। आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा अच्छा सा ले लेना है, जो कि आप लोगों को लगे कि हाँ बैकग्राउंड अच्छा सा आ रहा है और आपकी एडिटिंग भी अच्छी सी होनी चाहिए, ठीक है। उसके हिसाब से आप वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको लाइक्स अच्छे खासे मिल सकते हैं, ठीक है। और आप अपनी मर्जी से कुछ भी इसमें इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। फिर आप लोग को साउंड कैसे लगाना वो भी आप लोग जाकर लगा सकते हैं, या फिर आप वो वीडियो जो है डाउनलोड कर लीजिएगा जो आपके पास होनी चाहिए इस टाइप की, ठीक है। उसको डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को लेकर आना है यहाँ पे, और जो है फिर आप लोगों को यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको कैची वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे क्लिक कर देना। जैसे आप एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको जो वीडियो है यहाँ पे आपका वीडियो का जो MP3 बन जाएगी, और यहाँ पर आपको जो है इसमें देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग इस टाइप से कर लीजिएगा। तो फिर आप लोग को एक्सपोर्टिंग के लिए इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना और फिर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। फिर आप लोग यहाँ पे एक्सपोर्टिंग पे क्लिक करेंगे, आपकी वीडियो पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। सो आज हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले फीचर के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।